वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? और उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। तो भाई आज हम JJ47 का एक ट्रैक सुनने वाले हैं जिसका नाम है बाज। बाज दो मायने होते हैं, एक बाज किसी को बाज करना, किसी चीज़ के बाज आ जा, और एक बाज होता है जो परिंदा हमें नज़र आ रहा है। ये बाज परिंदा वाला है कि बाज दूसरे वाला है? पोस्टर से तो परिंदे का ही नज़र आ रहा है। साथ JJ47 के साथ हैं तलहा अंजुम, तलहा यूनस, मुर्शद स्लैश मुर्शद और साजो के। तो बिना टाइम जाया कि 4 मिनट 31 सेकंड का गाना है, और जी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यंगस्टर्स लेकर आए। तो हाँ, यस कमांड। माहौल में एक हम जो तेरी दीद के माहौल में क्या क्या लिख देता हूँ नींद के माहौल में। मैं आने के लिए राजी हूँ मुरीद के माहौल में, बैठा रहता हूँ उम्मीद के माहौल। मुर्शद मुरीद, क्या मजेदार लाइंस है ब्रो। एक ये जे जे पता नहीं किसने ऐसे पोइट्री कितनी खूबसूरत लिख लेता है, और मुझे बड़ा मजा आता है कि अपनी अपने यार के लिए लिखना। लगी हुई ईद के माहौल में एक हम जो तेरी दीद के माहौल में क्या क्या लिख देता हूँ नींद के माहौल में। मैं आने के लिए राजी हूँ मुरीद के माहौल में, बैठा रहता हूँ उम्मीद के माहौल में। तू पानी तक नहीं पूछती यजीद के माहौल में, लगे पड़े अब संगीत के। तो आप ये वाकया है, वाकया एक करबला का है, और मैं तुम्हें पता है ज़्यादा मजहबी चीज़ों की यहाँ पे बात नहीं करता, क्योंकि गलती से कुछ भी उल्टा हो जाए तो मैं जिस मुल्क से हूँ और जहाँ के मुझे लोग नज़र आते हैं वो जाहिल हैं, तो मुझे डर लगता है कि यार लोग उल्टा सीधा ना ले जाए सीन। तो हाँ, लेकिन ये करबला का वाकया अगर आप लिखेंगे यूट्यूब या गूगल पे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाकया क्या है। तो जाएं सुने, और ये आज वोट वोट भी दीजिएगा। यार इन्होंने 2 क्यों लगाए, मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक पे नहीं चलता था सीन पहले। सो ये बहुत मज़ेदार लाइन है। जिनको इस वाक्य का पूरा पता है उनको बहुत अच्छी लगेगी ये लाइन, स्पेशली जितने भी मुस्लिम हैं और जितने भी उर्दू को समझने वाले हैं उनको समझ जिनको आ रही है वो। हाँ, पानी तक नहीं पूछती यजीद के माहौल में, लगे पड़े अब संगीत के माहौल में। हम हारने को राजी हैं इस जीत के माहौल में, मैं कुछ तलाश में मिले मुझे से लोग नहीं। मैं एक बहार और तू मौसमों को रोक नहीं, तू एक पहर मेरी सोच में समा हुआ। मैं लिखूं शेर तुझे शायरी का शौक नहीं, देखूं आईना तो होता है मलाल मुझे। वो माजी बने जिससे पूछना था हाल मुझे, रब का वास्ता ना मुश्किलों में डाल मुझे। सोच कैदी बनाए आकर बहाल मुझे, क्या कमाल मुझे ये मेरी आजी है। मैं उड़ू आसमां पे दुनिया मेरी कागजी है, तू सोचे बारे मेरे मुंह पे अनजान बने। मैं सब जान के भी चुप के मेरी सादगी है, रख दी आगे तेरे जो भी मुरादे हैं। तुम भी पूरी कहां अब हम भी तेरे आधे हैं, जैसा की बात मुक्ति मुकाते हैं। तुम पढ़ती नहीं हो वरना हम खुली किताबे हैं, चीजें कौन सी यार ये क्या चीज है मेरे खुदाया, ये क्या चीज है मेरे खुदाया। तो भाई वो लाइन थी ना रब रब तेरा शुक्र है, उसके अंदर एक लाइन थी वो मेरी जिंदगी में एकदम जैसे कहते हैं ना किसी ने परमानेंट लिख दिया हुआ है कि रब का कर शुक्र रंडी रोना डुबारता है। उफ वो लाइन, और फिर मतलब इतनी खूबसूरत किस्म की बातें करता है ना जीजे यार। मैं इसकी पोइट्री से भरा, मैं उर्दू का बहुत ज्यादा दुश्मन हूँ सीरियसली, मतलब मैं ज़्यादा वो मेरे को ना उर्दू समझ आवे, ना इंग्लिश समझ आवे, ना पठान, ना पश्तो, ना पंजाबी, मैं वो मिक्स टेप जैसा मिक्स होया। तो लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा यार मुतासर किया सीरियसली, मैं कसम से फैन बोला सीन हो जाता है मेरे साथ ना कभी कभी।
से आधे हैं, जिस सब की बात मुक्ति मुकाते हैं, तुम पढ़ती नहीं हो वरना हम खुली किताबें हैं। चीजें कौन सी इंसानों से बचती है, डूबने से डर है वो ही जिसके पास कश्ती है, बेवजह किन चीजों में उलझती है, आओ बैठो साथ पियो भीड़ तुम पे जचती है। Let me talk to you, drop it like it's hot, baby lock me up, she got her legs around me, कोई बात नहीं है, हम खो चुके एक दूसरे में कोई राज नहीं है, वादे बाल नहीं है। आधे बाल नहीं हम मिलते लोगों से मिलवाए नहीं हम जब भी तू साथ आते बाल नहीं हम आधे बाल नहीं हम दुनिया जाने मेरे राज भी अब जब भी तू साथ आते बाल नहीं हम आधे बाल नहीं हम ये गवा कलम उठा यार के लिए दे दवा आए हैं इलाज के लिए वादे सबा चली मुद्दतों के बाद हम लिख लिया करते थे गीत इंतजार के लिए राइम्स जाती रहेगा और हम जाए। अरे भाई वादे सबा चली मुद्दतों के बाद हम लिख लिया सुबह चली सुबह की हवा वादे सबा चली मुद्दतों के बाद हम लिख लिया करते थे गीत इंतजार के लिए राइम्स जाती रहेगा और हम जाए कांप मैं कदम में महताब द नाइट्स यंग आई ड्रिंक द पेन अवे जो अरे भाई अरे भाई यार ये चीज ना मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कि इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट है ना यार ये मतलब मैंने इनको मैं भाई होना पड़ता है अगर यंगस्टर्स ना हो पाकिस्तान के हिप हॉप के अंदर तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान का रैप बहुत बूढ़ा हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यंगस्टर्स हालांकि ये सच है लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलता कि इस रूल नहीं कर रहे हालांकि वो रूल कर रहे हैं बहुत बुरी तरह लेकिन यार इतना वर्सेटाइल होना मैं मेरे को सही मायने में यंगस्टर्स ने सिखाया ब्रो कि वर्सेटाइल कैसे होते हैं कैसे अपने फ़न को लोगों के आगे कैसे जाहिर करना अपने जज्बातों को वो मुझे यंगस्टर्स ने प्रॉपर सिखाया देसी हिप हॉप में ब्रो वो रूल कर रहे हैं हर कला को कितना लिया करते थे गीत इंतजार के लिए राइम्स जाती रहेगा और हम जाए कांप मैं कदम में महताब सूरज की रोशनी और रंग क्या राइम वेस्ट राइम गाना मैं बोल नहीं रहा यार क्योंकि एक एक ग्लास रोकना पड़ना है ये लाइन तो मैं अपने ब्रो मैं ये लाइन बाकी मेरे को भाई ज़हनी सुकून चाहिए मेरा सेक्सी डिप्रेशन का बंदा और ये मेरे से बोलने ये मेरे को ये मेरे अंदर हिम्मत जो आई ना मेरे से 6-7 साल से सीना और अब इतना तंग हो चुका हूं कि बोलना पड़ रहा है any sukoon dhoondta hoon hope I find it too much on my plate ye lines aligned hai ladke bheje hate aur utha le char fayde khayali palao pe londe phailaye right hai you're married to the game par wo ja ke baithi mic pe main baitha sochun about the impact the influence in sab mein meri jhalak main sabse mukhtalif wo mohabbat mein mubtala aur sunte mustaqil asal aur consistency pe careers ye mushtamil kya aasan thi maut kya ek umr thi ya bas ek gham hai shaam thi मौत कोई तारुफ हुआ या फिर गुमनाम की मौत तुम जीते जी मरे तो वो तो नाम की मौत मेरे शहर में तो एक वक्त पे आम थी मौत कला को रुलाए कलाकार की मौत सो माय ब्रदर्स ओ भाई क्या कहते हैं उसे शहर में नहीं हमारे तो मुल्क में ही ऐसा सीन था एक टाइम था कि मुझे आज भी याद है मेरा अब्बा मुझे मस्जिद जाने से मना करता था वो क्यों करते थे क्योंकि एक तो मैं अकेला और दूसरा अकेला मतलब लाडो लूटो नहीं मतलब लाड उठाए लेकिन इतने नहीं सीधी जो बात है भाई और मैंने ना उठाने दिए ये काम मैंने बिल्कुल नहीं करने दिया यार फिर वो ना मैं वो फिर मैं टिकटॉकर हो जाता लाड उठाए तो अब बात ऐसी है कि क्योंकि
क्योंकि बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान के, अभी सच बता रहा हूँ, बहुत बुरे हालात थे। और मेरे को अभी भी याद है कि मस्जिदों में बहुत ज़्यादा बम फट रहे थे। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि कराची और लाहौर के अंदर मुसलसल बम फट रहे थे, और 16 तो नहीं कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 8 या 11 के तकरीबन ना कराची और लाहौर के अंदर मिला के 4-5 दिनों में बम फटे थे। और मुझे आज भी याद है वो खौफ, मेरे बाप ने मेरे को मना कर दिया था कि भाई बाहर नहीं निकलना, और वो मेरे को अक्सर हल्का हल्का याद आता है, जैसे मेरे अबू मुझे बता रहे होते हैं 71 की जंग में उनको नज़र आते थे जहाज वगैरह ऐसे गुजरते हुए ना, तो मेरे को भी वो चीज़ महसूस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर तुम यार बाहर से देख रहे हो ना तो तुम्हें ये लग रहा है कि हम पहाड़ों के बीच में रहते हैं, खुड्डा मैं बनाया हुआ है और उसके अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। तो जब बाहर निकलूँ ना शोर मैं तो पागल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये मतलब वो खाली शहर की बात नहीं है, बहुत बुरे हालात थे भाई इस मुल्क के, जो सीधी सीधी बात है। अब इकोनॉमिकली हैं तो बाकी बहुत फ़र्क पड़ गया। नहीं तो कराची एक ऐसा शहर है जो कि कराची और लाहौर वाले अक्सर लड़ रहे होते हैं, लेकिन कराची वक्त में किंग था, मतलब वो खूबसूरत नहीं शहर था, वो फिर गांड मार दी गई है उस शहर की, मतलब उनका पैसा बहुत ज़्यादा, एक तो खैर ये बड़ी चीज़ें हैं और तो महसूस कर सकता हूँ मैं चीज़ को। Ride with me while the safety's off. Agar aa rahe ho, this better be worth the cause. Wo de pe ki awaaz nahi ab, dil bardasht tha. Sirf udaas nahi hum. Tum ho yaad, main tumhe aate yaad nahi hum. Smoke trees pura din, aate baaz nahi hum. Yeah. Let me talk to ya. Drop it like it's hot, baby, lock me up. She got her legs around me, koi baat nahi ab. Hum kho chuke ek dusre mein, koi raaz nahi ab. Aate baaz nahi hum. आते बाज नहीं हम, मिलते लोगों से मिजाज नहीं हम, जब भी तू साथ आते बाज नहीं हम, आते बाज नहीं हम, दुनिया जाने मेरे राज भी हम, जब भी तू साथ आते बाज नहीं हम, आते बाज नहीं हम। अच्छा भाई ठीक है, मैं समझा था कि इसके अंदर यूनुस का भी वर्स होगा क्योंकि 4 मिनट का गाना था। तो जो अंजुम के फैंस हैं, जो तरसे हुए फैंस हैं, जिसमें मैं भी था, फैंस होता क्या है यार, मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ आती। लेकिन हाँ, तो अंजुम को सॉरी यार प्यार लगे, तो बात ऐसी है कि भाई प्लीज़ बुरा ना बनाना इस चीज़ का कि मैं बोल रहा हूँ। क्या मुझे अब नादरा में अब जाने देंगे लोग, नहीं जाने देंगे। अबू जी मैंने कहा हुआ है तो, लेकिन मेरे को था कि यूनुस का वर्स होगा, लेकिन उसका हुक था और हुक थोड़ा सा मुझे डर लगा। प्लीज़ बुरा ना बनाना, लेकिन जो है मेरे मुझे ऐसा लगा, बाकी लोगों को मुझे पता है कि सबको ही पसंद आएगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं तुम्हें ना अपना थोड़ा बताता हूँ, मेरे को ना इन लोगों ने बड़ा ना इंस्पायर इस तरह से किया कि आपको ना ज़िंदगी के अंदर कभी कभी बहुत दुख होता है और तकलीफ होती है, और आपको 0.1% ना कुछ सहारा चाहिए होता है। सारा खेल दिमाग का है, आपके पास सारा कुछ हो भी फिर भी आप तकलीफ में हो तो दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता, चाहे वो लाखों बातें कर ले, आपको खुद निकलना होता है। ये यंगस्टर्स जो के जैसे आर्टिस्ट जो है ना, मतलब जो इतना शार्प काम करते हैं लिखाई के अंदर कि आप ऑटोमेटिकली, मेरे को वो 0.1% ना मिल जाता है यहाँ से। मैं बहुत ज़्यादा क्रिंज अक्सर रिएक्शन बना रहा होता हूँ, और अक्सर बहुत ज़्यादा क्योंकि वो यूट्यूब की डिमांड होती है, मैं खुद ही बोलता रहता हूँ कि व्यूज चोरी ये चीज़ें नहीं होती। जो लोग मुझे मुसलसल देखते हैं वो जानते भी हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं जान के करता हूँ। कुछ कहते हैं कि रोस्ट कर, ये कर, वो कर, सच बोलूँ तो मैं जब रोस्ट या कुछ भी कर रहा होता हूँ जो कि वो कुछ भी नहीं है, तो वो भी गुस्सा ही होता है मेरा, मैं अपना गुस्सा आगे निकाल देता हूँ यूट्यूब, सिंपल झूठ नहीं बोलता। तो मेरे को असली मैं नहीं देखता अपना यूट्यूब ब्रो, सीरियसली मैं नहीं देखता, मुश्किल से मैंने कल की वीडियो नहीं देखी, 2-3 दिन हो गए, और कल की वीडियो नहीं देखी 2 दिन दिमाग घूम गया। तो बात ऐसी है कि ये ऐसे आर्टिस्ट हैं कि आपको ज़िंदा करते हैं, इनकी शेर व शायरी आपको ज़िंदा करती है,
मैं बहुत ज़्यादा डाउन बंदा हूँ, बहुत मतलब मैं असल में ना हंसमुख हूँ ना मैं वो चीज़ हूँ, मतलब मैं बहुत मेरा दिल नहीं करता कुछ भी करने को ना। अभी एक हफ्ता हो गया मैंने सिड के साथ पॉडकास्ट बनाई हुई है और वो वैसी पड़ी हुई है, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं, मेरा कुछ करने को ही नहीं था। मैंने ये वीडियो भी नहीं बनानी थी बट मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि 0.1% आपको चाहिए होती है कोई चीज़ जो आपको करे, तो मैं व्यू स्टोरी करने को भी ना एक बहुत बड़ी चीज़ समझता हूँ क्योंकि लोगों के नज़रिए में फजूल चीज़ होगी, मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मुझे इम्पैक्ट डाल रही है तो मेरे को ज़रूरी है ये चीज़। तो कहने का मकसद ही है ये छोटा सा ज़रा हिस्सा अपना खोलने का या छोटी सी बात अपनी दिल की रखने का ये है कि अच्छा आर्टिस्ट हो ना ब्रो, तो वो तंग दिल दिमागी खलल और ख़राबी रखने वाले को भी ना आसरा दे देता है, तो वो सीन है। मैं मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो पे, हाँ प्लीज़ बुरा ना बनाना, बहुत खूबसूरत उर्दू के लफ्ज़ मुश्तमिल मुस्तकिल महताब ये सारी चीज़ें आप उर्दू जब खोलेंगे, मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्रेक डाउन करता नहीं हूँ और मैं करूँगा भी, तुम्हें पता है ना जब मैं ये बोल देता हूँ कि तुम्हें नहीं समझ आएगी तो समझो मुझे नहीं आ रही, तो खैर मुझे खैर सारे समझ आ गए। तो उर्दू जिनको समझ आई है बीच में पर्शियन लफ्ज़ भी हैं, तो मुझे वायस का जो वो था वो थोड़ा डल लगा लेकिन बाकी खूबसूरत गाना है। अगर आप उनको पसंद आया तो ओबियसली आपको पसंद आया ही होगा, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ मेरी बुरी लगी तो माजरत, मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी यार सॉरी टाइम ज़ाया कर दिया 16 मिनट, यस कमान।